Hello everyone, in the series of Patent Act 1970, now we are going to discuss the topic that is examination of application. So, जब आपने एक कोई application है, उसको file कर दी है, application file करने के बाद आपने उसको publish भी करवा दिया है, publish हो चुकी है आपकी application. अब जब publish हो जाती है, तो उसका examination होता है. Examination या तो controller करता है, controller नहीं करता है, तो controller अपने जो subordinate officers होते हैं, जो examiners नाम से जाने जाते हैं, उनको point कर देता है कि आपको ये application आई है, इसका examination करना है, आप इसका examine करिए. तो सेक्शन जो है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन में वो बात करते हैं सेक्शन 11B, सेक्शन 12, 13, 14 और सो ऑन जो आगे के सेक्शंस हैं 24 तक उसमें ये बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होना है. तो जो मेन सेक्शंस हैं वो है कि 11B जो वो सेक्शन है इसमें बात कर रही है कि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, क्या जो एप्लीकेंट है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन के लिए कि आप जो मेरी एप्लीकेशन फाइल करी है इसका एग्जामिन कर लो. तो जो एप्लीकेंट जो होता है उसको एक प्रिस्क्राइब मैनर में जो रूल्स में बने हुए हैं मैनर्स उसके अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कि जो मैंने एप्लीकेशन फाइल करी है उसको आप एग्जामिन कर सकते हो. ये कंट्रोलर पे एप्लीकेशन फाइल करनी होती है. उसके बाद इसमें आगे बात करिए जो सब क्लॉज 3 है 11B का, हम इसको इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन 5 की बात कर रहा है और सेक्शन 5 इस एक्ट से पहले ही हटा दिया गया है. तो हम सेक्शन 5 से रिलेटेड जो भी बात होगी वो इस पूरे एक्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सब क्लॉज जो 4 दे रखा है क्योंकि सेकंड इसमें अमेंड हो चुका है, सब क्लॉज 3 जमें नहीं पढ़ना है. सब क्लॉज 4 में बात करी है जब कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे बात करिए कि विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंदर द, अगर सपोज मान लीजिए कि एप्लीकेशन का आपको अपने एप्लीकेशन फाइल करी और पब्लिश हो गई, अब एग्जामिनेशन के लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी. एप्लीकेंट जो होता है उसका एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है. अगर वो उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में एप्लीकेशन में फाइल नहीं करता है एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन की अगर वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहा तो ये मान लिया जाएगा कि वो उसने अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉन कर ली है, ऐसा मान लिया जाएगा. उसके बाद इसमें बता रखा है कि अगर कोई सीक्रेसी प्रोविजंस वाली जो है एप्लीकेशन है, मतलब जो सेक्शन 35 में बात करी है कि अगर सीक्रेसी प्रोविजन है तो सीक्रेसी प्रोविजंस अगर कुछ होते हैं तो जो एप्लीकेशन होगी वो ये माना जाएगा कि जब रिवोकेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन है वो ख़त्म होने से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन जो फाइल करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन की. मतलब रिवोकेशन का जो एप्लीकेशन का सीक्रेसी जो डायरेक्शन होती है वो होती है कि हम एग्जामिनेशन को पब्लिश ना करें, लोगों को नहीं बताएं उसके बारे में कि क्या चीज़ के लिए पेटेंट मिलने वाला है. लेकिन आपको उससे पहले एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जो एप्लीकेंट है उसको कि ये जो चीज़ है इसका आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं. फिर सेक्शन 12 आता है. सेक्शन 12 में बता रखा है कि एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का जो है एग्जामिनेशन कैसे होगा. तो उसमें बता रखा है कि जो सेक्शन 11 में रिक्वेस्ट करी है कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर के पास पावर है, वो अदर जो ऑफिसर्स हैं जो एग्जामिनर एक पर्सन है उसको अपॉइंट कर सकता है कि जो एप्लीकेशन है इसका आप एग्जामिन करें, और वो जो एग्जामिनर है वो एग्जामिन करेगा जो एप्लीकेशन है उसका कि ये जो एप्लीकेशन आई है ये क्या अकॉर्डिंग टू द रूल्स और रेगुलेशन जो बने हुए हैं पेटेंट एक्ट के रूल्स में, जो बने हुए हैं पेटेंट रूल्स में है उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है. फिर इसमें देखेगा कि इसका जो लॉफुल ग्राउंड है इसका वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि अगर हम ग्रांट करेंगे तो ये लॉफुल ग्राउंड रहेगा या नहीं रहेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, इसके बिहाफ पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा इसके अगेंस्ट में. फिर इसमें बात करिए कि वो जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि हम सेक्शन अभी 13 पढ़ेंगे उसमें बता रखा है, या फिर कोई भी अदर मैटर जो एग्जामिनर को लगता है इसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी है, इसका एग्जामिनेशन करना जरूरी है, वो एग्जामिनर कर लेगा. फिर सेक्शन 13 में बात करिए सर्च फॉर एंटिसिपेटेड बाय प्रीवियस पब्लिकेशन एंड बाय प्रायर क्लेम्स. मतलब ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन आपने फाइल करी और उसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो आपने फाइल करा है तो ये कोई प्रीवियसली पहले तो कहीं फाइल नहीं होगा, ये ऐसा एंटिसिपेट करके चलेगा, ऐसा मान के चलेगा एग्जामिनर कि उसको ये पता रखना है कि ये कहीं पहले तो पब्लिश नहीं हो चुकी है, तो ये एग्जामिनर की ड्यूटी है उसको ये पता करना. फिर इसमें बता रखा है कि जो 1 जनवरी 1912 जो कि अपना पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 था उसकी जो एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1912, उसके बाद से अगर कोई भी एप्लीकेशन आई और वैसा कोई भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो ये मैटर पर्सन जो एप्लीकेंट है वो दे रहा है अगर उससे मिलता जुलता है तो उसको यहाँ पे उसकी रिपोर्ट बनाएगा, या फिर जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी है और अभी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना है और उसके बीच में अगर कोई मैटर उसको एग्जामिनर को लगता है कि ये मैटर इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल होने से पहले मुझे नॉलेज में आ गया है, कहीं उसने देख लिया है कोई डॉक्यूमेंट या फिर कहीं उसने प्रिंट हुआ है, कहीं भी वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, कहीं भी जो मैटर वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में उस चीज़ के लिए फाइल कर रहा है उसको पहले ही पता है, उसको मिल जाता है, तो यहाँ पर उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी. फिर इसमें बता रखिए कि वो जो एग्जामिनर होता है वो अमेंडमेंट के आपको, अगर सपोज मान लीजिए आपने जब कोई एप्लीकेशन फाइल करी होती है और आपने कोई अमेंडमेंट किया है उस एप्लीकेशन में, तो वो जो अमेंडमेंट है
जो आपने अमेंडमेंट किया है वो भी ऐसा डील किया जाएगा कि एकदम ऐसे नई एप्लीकेशन है और उसको एकदम एग्जामिनर अमेंडमेंट को भी उसी तरह ट्रीट करेगा। फिर इसमें बात करी है कि कोई भी जो ऑलरेडी पेटेंट चीज़ हैं उनके खिलाफ कोई भी वारंट वाली चीज़ नहीं होगी, मतलब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा जो ऑलरेडी पेटेंट हो चुकी हैं। सब क्लॉज जो 4 है इसका सेक्शन 13 का, उसमें बता रखा है कि ऑलरेडी जो चीज़ पेटेंट है उनके खिलाफ कोई भी वारंट नहीं माना जाएगा, उनकी वैलिडिटी के खिलाफ उन जो चीज़ पेटेंट हो चुकी हैं वो हमेशा वैलिड रहेंगी और यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी कोई भी एग्जामिनर या फिर कोई भी अदर ऑफिसर जो ये काम सर्च का कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 14 में बात करिए कि अगर सपोज मान लीजिए जो एप्लीकेशन फाइल करी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये रिपोर्ट जो होगी वो कंट्रोलर को दी जाएगी और कंट्रोलर फिर जो एप्लीकेंट है उसको एक जिस्ट बताएगा कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल करी थी इसमें ये कमी है, और वो जिस्ट बता के उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की कि आपने ये जो काम किया है वो क्यों किया है, ये गलत किया है, तो इसको सही क्यों नहीं किया है, तो आप इसको सही करना है नहीं करना है। फिर ये आगे कंट्रोलर की पावर्स बता रखी है सेक्शन 15 से लेके 24 तक कि आपको क्या क्या कर सकता है, पावर है कंट्रोलर की तो वो सारी पावर्स हैं। तो एग्जामिनेशन जो है वो मेनली यहीं तक बात करता है, फिर आगे कंट्रोलर की पावर है कि एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जो एक सेक्शन है वो सेक्शन 21 है, उसमें बता रखा है कि कैसे टाइम जो है ग्रांट का जो टाइम है वो कैसे दिया जाएगा, उसकी सेक्शन की बात करी है इसमें सेक्शन 21 में। तो मेनली जो सेक्शन है वो सेक्शन 11B, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। 11B में आपने रिक्वेस्ट करनी होती है, 12 में जो है एग्जामिनर अपॉइंट होता है वो आपकी एग्जामिन करता है जो कॉन्ट्रेरी तो नहीं है जो प्रोविजन से पेटेंट एक्ट के। उसके बाद 13 में वो जो है वो देखता है कि एंटिसिपेट करता है कि कहीं पहले तो पब्लिश होनी चाहिए है। फिर 14 में वो जो है कंट्रोलर के पास रिपोर्ट जाती है और कंट्रोलर आपको बताता है कि आपकी क्या कमी है और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उस अपॉर्चुनिटी में फिर आप अगर सही कर सकते हो तो सही कर सकते हो और कंट्रोलर के पास पावर है वो चीज़ आपको अमेंड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, जो सेक्शन आगे 15 से 21 बात करिए। थैंक यू वेरी मच।